शहर की रातानाडा थाना पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आया है कि यह शख्स मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के एक फैसले से नाराज था और शराब के नशे में उसने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ टिप्पणी की। आसूचना के आधार पर शहर की रातानाडा थाना पुलिस ने इसे पकड़ा है और अन्य जांच एजेंसियां भी इससे पूछताछ कर रही है। रातानाडा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मारने की धमकी देने वाले शख्स राकेश सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया है, जो जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। मूलतः सीकर का रहने वाला है राकेश सिंह शेखावत। पुलिस ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व एक आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था कि एक वर्ग विशेष के त्यौहार के चलते विद्युत कटौती नहीं की जाए, जबकि दूसरे वर्ग के त्यौहार के वक्त कई बार विद्युत कटौती हो जाती है। राज्य सरकार के इस फैसले से राकेश नाराज था और संभवतः इसी के चलते उसने सोशल मीडिया पर धमकी लिखी। मामले की जानकारी मिलते ही रातानाडा थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर राकेश सिंह शेखावत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद CID सहित अन्य जांच एजेंसियों ने भी राकेश से पूछताछ की है। ये राकेश सिंह शेखावत है, मूल रूप से सीकर का रहने वाला है और यहाँ जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता है। सोशल मीडिया फेसबुक पर अनर्गत टिप्पणी करने और धमकी भरी पोस्ट करने के आरोप में इस व्यक्ति को दस्तयाब करके पूछताछ की गई। इसने शराब के नशे में इस तरह की पोस्ट की थी। इसने ये पोस्ट करना स्वीकार किया। समुचित इंसदादी कार्रवाई की जाए।